हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। होंडा फोर स्टॉक ब्रश कटर मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सा मॉडल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं GX50 इंजन में भी लिखा हुआ रहता है, ध्यान से देखिए GX50 आपको लिखा हुआ दिखेगा। ये देखिए होंडा GX50, यह फोर स्टॉक ब्रश कटर मशीन है। यह ब्रश कटर मशीन में प्रॉब्लम बताया गया है कि ब्लेड वर्क नहीं कर रहा है, ब्लेड नहीं घूम रहा है। जब ब्लेड नहीं घूमेगा तो घास कैसे काटेगा। ये देखिए टैप एंड गो लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए टैप एंड गो वर्क नहीं कर रहा है, नहीं घूम रहा है। देखिए ये देखिए टैप एंड गो लॉक हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नीचे वाला घूम रहा है, ऊपर का नहीं घूम रहा है। ये देखिए टूटा हुआ है, टैप एंड गो डैमेज हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कस्टमर ने जैसा कि मेरे को बताया, मशीन स्टार्ट करके जब एक्सेलेटर प्रेस करता हूं तो यह टैप एंड गो नहीं घूमता है, वर्क नहीं करता है। चलिए यह प्रॉब्लम के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे गियर हेड। गियर हेड में दो एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है, दोनों एलेंकी बोल्ट खोलकर बाहर निकालेंगे, बाहर आ जाएगा। ये जो एलेंकी बोल्ट मैं खोल रहा हूँ यह 5mm का है, पहले जो खोला था वो 4mm का था। 4mm एंड 5mm एलेंकी बोल्ट लगा हुआ रहता है, उसे खोलकर आप बाहर निकालिए और गियर हेड को चेक कीजिए। गियर हेड निकल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए अभी भी टैप एंड को नहीं घूम रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टैप एंड को लॉक हो गया है, जाम हो गया है। चलिए इसे हम बड़ा वाला प्लास खोलेंगे। चलिए गियर हेड को हम दोबारा से लगाएंगे पाइप में, फिर से फिट करेंगे गियर हेड को और इसे हम बड़ा वाला प्लास से खोलेंगे। चलिए गियर हेड को हम दोबारा से लगाएंगे पाइप में, हम फिर से फिट करेंगे गियर हेड को और बड़े वाले प्लास की मदद से हम टैप एंड को खोलने का कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अभी तक किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपके मशीन में कोई दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। देखिए टैप एंड को खुल गया है और ये देखिए ये प्लेट लॉक सिर्फ लगा हुआ है। इस तरह से अगर प्लेट लॉक सिर्फ लगा हुआ रहेगा और आप बाहर से वॉशर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, टैप एंड गो लॉक हो जाएगा, टैप एंड गो वर्क नहीं करेगा। लॉक प्लेट सिर्फ लगा हुआ है, इसके ऊपर से वॉशर लगता है। देखिए एक इसमें हॉल है, देख सकते हैं, और अब ध्यान से देखिएगा ज़रा यहाँ पर। देखिए एक हॉल यहाँ पर है और तीसरा वाला हॉल यहाँ पर है, तीसरा वाला हॉल देख पा रहे हैं आप। तीनों हॉल में आपको इस तरह से एलेंकी डालना है, एलेंकी डालकर लॉक प्लेट को इस तरह से लॉक करना है। लॉक प्लेट आपको अच्छी तरह से लॉक करना है, देख कर एलेंकी को अंदर लगाइए, ठीक है। एलेंकी को अंदर लगाने के बाद इसके ऊपर से एक वॉशर लगता है, वो जरूर लगाएं। अगर ये वॉशर नहीं लगाएंगे और टैप एंड गो को लगाएंगे तो टैप एंड गो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। टैप एंड गो लॉक हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। आप एक्सेलेटर को प्रेस करते रह जाएंगे बट टैप एंड गो वर्क नहीं करेगा, इसलिए आप वॉशर देकर लगाएं। गियर हेड का शाफ्ट देखिए सही काम कर रहा है, घुमाकर आप इस तरह से चेक कीजिए। अंदर में आपको देखना है, अंदर में जहाँ पर दाता होता है वहाँ पर आपको देखना है। देखिए लॉक लगा हुआ, ध्यान से देखिए शाफ्ट को आप इस तरह से घुमाइएगा तो ये अंदर का लॉक इस तरह से घूमना चाहिए। गियर हेड बिल्कुल सही है, वर्क कर रहा है। आप भी गियर हेड को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। और ये देखिए ये रड भी जाम हो गया है, ये रड जाम हो गया है, लॉक हो गया है, रड भी वर्क नहीं कर रहा है। ये रड आपको अच्छी तरह से चेक करना है। ये रड आप देख सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन आपको देखना है, दाएँ बाएँ चेक करना है और ऊपर नीचे चेक करना है। देखिए रड इस तरह से बीच में होना चाहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए रड इस तरह से बीच में होना चाहिए। अगर यह रड पाइप में सट रहा है, नीचे गिरा हुआ लग रहा आपको, यह रड पाइप में सट रहा है, नीचे है, तो आपको बाहर निकाल कर रड को अच्छी तरह से चेक करना है और पाइप को भी चेक करना है। पाइप के अंदर बूस होता है, वो भी डैमेज हो सकता है। इस मशीन का रड और पाइप बिल्कुल सही है, रड बीच में है। अभी प्लास लेकर मैंने रड को घुमाया, रड नहीं घूम रहा था, तो इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, क्लच। क्लच असेंबली खोलकर हम सबसे पहले चेक करेंगे क्लच, उसके बाद चेक करेंगे क्लच ड्रम। क्लच असेंबली में चार एलेंकी बोल्ट लगा हुआ रहता है 5mm का, यह चारों एलेंकी बोल्ट खोलकर हम बाहर निकालेंगे, क्लच असेंबली बाहर आ जाएगा। आपका इंजन सही वर्क कर रहा है, इंजन रेस हो रहा है बट घास नहीं काट रहा है, आपको क्या चेक करना है, क्लच। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्लच, ये देखिए ये है क्लच ड्रम, क्लच ड्रम घूम रहा है, ये क्लच ड्रम वर्क कर रहा है। अभी रड भी घूमता होगा,
यह क्लच ड्रम अगर घूमेगा तो रॉड भी घूमेगा। इसके अंदर में ही रहता है क्लच। क्लच ड्रम घिस गया है क्योंकि क्लच डैमेज हो चुका है इसका। ये देखिए, जब क्लच डैमेज होता है ना तो ये क्लच ड्रम भी घिस जाता है, डैमेज हो जाता है। अभी थोड़ा डैमेज हुआ है ये, बट अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मशीन का यह ड्रम ज़्यादा घिसा हुआ लग रहा है, डैमेज लग रहा है, तो आप चेंज कीजिए। देखिए, इसके अंदर में एक बैरिंग होता है। यहाँ पर इसके अंदर में क्लच ड्रम के अंदर में क्या होता है, एक बैरिंग होता है। अगर वो बैरिंग टूट जाएगा, सीज कर जाएगा, तो क्या होगा, क्लच ड्रम लॉक हो जाएगा, क्लच ड्रम नहीं घूमेगा, क्लच ड्रम वर्क नहीं करेगा। क्लच असेंबली के अंदर बैरिंग टूट जाएगा या सीज कर जाएगा तो ये ड्रम वर्क नहीं करेगा, और जब ड्रम वर्क नहीं करेगा तो रॉड भी वर्क नहीं करेगा, ब्लेड भी वर्क नहीं करेगा। ये देखिए, ये है क्लच। क्लच पूरी तरह से डैमेज हो गया है, क्लच बहुत ज़्यादा घिसा हुआ, देख पा रहे हैं आप, क्लच पूरी तरह से डैमेज हो गया है दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, आपके मशीन का भी क्लच इस तरह से घिसा हुआ है, डैमेज है, ब्लेड वर्क नहीं करेगा, घास नहीं काटेगा। आपका इंजन बिल्कुल सही है, रेस हो रहा है, बट क्लच खराब है, क्लच घिसा हुआ है या स्प्रिंग टूटा हुआ है। स्प्रिंग भी टूटा हुआ रहेगा, लूज रहेगा, घास नहीं काटेगा, ब्लेड नहीं घूमेगा। अगर ये स्प्रिंग लूज हो जाता है, थोड़ा डैमेज हो जाता है, टूटता नहीं है, स्प्रिंग लूज हो जाता है, स्प्रिंग के अंदर गैप हो जाता है, क्लच घिसा हुआ नहीं है बट स्प्रिंग डैमेज हो गया है, स्प्रिंग में गैप हो गया है, क्या होगा, स्प्रिंग गैप है, स्प्रिंग टूटा हुआ है, क्या प्रॉब्लम होगा। मशीन को आप स्टार्ट करेंगे, ब्लेड घूमने लगेगा, बिना एक्सेलेटर प्रेस किए ही ब्लेड घूमने लगेगा। देखिए, जब मशीन चलता है ना, आप एक्सेलेटर प्रेस करते हैं तो ये जो क्लच है ये फैलता है, ये जो क्लच है ये फैलता है, स्प्रिंग फैल जाता है, क्लच जाकर ड्रम में सड़ जाता है। देखिए, जब क्लच ड्रम में इस तरह से सटेगा तो क्या होगा, क्लच ड्रम घुमाने लगेगा। जब स्प्रिंग डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, क्लच ड्रम में जाकर सड़ जाता है, स्टार्ट करते ही इंजन रेस हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लेड घूमने लगता है, बिना एक्सेलेटर प्रेस के ही ब्लेड घूमने लगता है। देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह गैप हो जाता है, जब स्प्रिंग टूट जाता है या स्प्रिंग लूज हो जाता है, स्प्रिंग के अंदर गैप हो जाता है, तो क्या होता है, क्लच ड्रम में जाकर सड़ जाता है और क्लच ड्रम इस तरह से घूमने लगता है, और जब क्लच ड्रम घूमेगा तो क्या होगा, ब्लेड भी घूमने लगेगा। ये दोनों क्लच आपस में इस तरह से सटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, और स्प्रिंग टाइट रहता है, स्प्रिंग लूज नहीं होना चाहिए, इस तरह से सटा हुआ होना चाहिए दोनों क्लच। आइए जानते हैं किस तरह से क्लच को खोलना है, और क्लच को खोलकर बाहर निकालना है, और कैसे चेंज करना है। टॉप कवर को खोलकर बाहर निकाल लीजिए। टॉप कवर खोलकर बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, फ्लाई व्हील को घुमाकर चेक करना है, जहां पर मैग्नेट रहेगा वहां पर आपको एलेंकी नहीं लगाना है। इस तरह से आप क्लच को घुमाकर चेक कीजिए। जब आप क्लच को घुमाएंगे तो आपको मिलेगा मैग्नेट, फ्लाई व्हील में इस तरह से मैग्नेट होता है, ये देखिए एलेंकी चिपक जा रहा है, सड़ जा रहा है। आपको मैग्नेट में फ्लाई व्हील को लॉक नहीं करना है, इस तरह से क्लच को घुमाना है, फ्लाई व्हील घूम जाएगा। देखिए, यहाँ पर नहीं चिपक रहा है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको लॉक करना है, एलेंकी डालकर यहाँ पर लॉक करना है आपको। अभी फ्लाई व्हील को घुमाना है, क्लच को घुमाएंगे तो फ्लाई व्हील घूमेगा, इस तरह से एलेंकी डालकर अब फ्लाई व्हील को आपने लॉक कर लिया है। फ्लाई व्हील को लॉक करने के बाद आपको खोलना है क्लच का बोल्ट। 17 नंबर का रिंग रेंज, डाल रेंज या गोटे हैंडल से आप बहुत ही आसानी से बोल्ट को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। क्लच का दोनों बोल्ट लूज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आराम से खुल रहा है। अगर यह क्लच का बोल्ट नहीं खुल रहा है आपसे, क्लच का बोल्ट लूज करना है, बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, लूज नहीं हो रहा है, हैमर लेकर ठोकिए, क्लच का जो बोल्ट है उसमें 4 से 5 बार इस तरह से मारेंगे तो क्या होगा, बोल्ट ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा। उसके बाद आप बोल्ट को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, बोल्ट खुल जाएगा। क्लच बोल्ट बाहर निकालने के बाद आपको चेक करना है, 4 वाशर होना चाहिए, 2 पतला और 2 मोटा, आपको बाहर में निकाल कर चेक करना है। 2 पतला वाशर आपको पहले लगा हुआ मिलेगा और 2 फ्लाई व्हील में लगा हुआ रहता है। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लच का वाशर, ध्यान से देखिए, क्लच बोल्ट में एक वाशर लगा हुआ है, ये देखिए, ये पतला वाला वाशर है, और दूसरा वाला क्लच बोल्ट में भी इस तरह से वाशर लगा हुआ होना चाहिए। ये जो वाशर है ये मोटा वाशर है, मैं आपको बताऊँगा मोटा वाशर कहाँ पर लगता है। देखिए, पतला वाशर यहाँ पर भी लगा हुआ है, 2 मोटा वाशर मिलेगा आपको, ये देखिए 2 वाशर हो गया, यह 2 मोटा वाशर
पहले फ्लाईव्हील में इस तरह से लगता है, बोल्ट के साथ ही लगता है। जब आप क्लच को फिट करेंगे ना, क्लच का बोल्ट लगाएंगे, तो आपको इस तरह से वाशर लगाना है। यह मोटा वाला वाशर इस तरह से फ्लाईव्हील में लगा कर और बोल्ट को फुल टाइट करना है। ये देखिए, यह मोटा वाशर, ये दोनों यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है। ये ज़रूर आप लगाइएगा। अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर